त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए हमको करना क्या चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सी संख्या में लड़कों को यही नहीं पता कि हम तैयारी कैसे करें, बस तैयारी करना। ये विचार आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे मन में आया कि क्यों ना हम पहले इस पर ही एक वीडियो बनाए। अभी कुछ समय पहले कुछ लड़के हमारे पास एडमिशन हेतु आए थे, उनको भी यही नहीं पता कि उनको करना क्या, वो करना क्या चाहते, फुल्ली कंफ्यूज्ड। हमें सबसे पहले खुद क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आगामी पुलिस का पेपर होना, हम इस पुलिस के पेपर को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाते हैं। सबसे पहले तो यह निश्चित कर लें कि हमको तैयारी किस चीज की करनी है। हम पहले स्वयं ये सोचें कि एक टारगेट तय करें, हमें इस टारगेट को भेदना है। हम सबसे पहले माना की तैयारी करना चाहते हैं पुलिस कांस्टेबल की, तो सर इसके बाद ये देखें कि दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है। तो दूसरा उद्देश्य होगा सही सिलेबस का चयन करना। सही सिलेबस क्या है, सही तरीका क्या है, तो जो हमारा पुलिस भर्ती बोर्ड एक सिलेबस देगा, उस सिलेबस के अंदर सही क्वेश्चनों को उनके उत्तरों को पढ़ना। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, हम कुछ कम पढ़कर भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और ये भी हो जाए कि जितना सिलेबस बोर्ड दे उससे भी बहुत ज्यादा पढ़ लें, उससे भी बहुत ज्यादा डीप पढ़ लें, या उसी को पढ़ लें के बावजूद भी हो सकता है सिलेक्शन ना हो। तो हमको कितना पढ़ना है, उस सिलेबस को भी कैसे पढ़ना है, ताकि हम बेहतर से बेहतर ढंग से उसको पकड़ में ला सके। तो सबसे पहले यह उद्देश्य निर्धारित करें कि हमको काहे का पढ़ना है, फिर उसके लिए उचित सिलेबस, और इसके बाद हमें उसके स्टेप टू स्टेप पूरे सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करना है। एक एक पॉइंट कर करके, एक एक विषय कर करके आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। एकदम नहीं पढ़ सकते, हम एकदम घबरा नहीं सकते। अगर हम एकदम पूरा सिलेबस देखेंगे तो निश्चित तौर पर घबरा जाएंगे। आपको क्रमबद्धता बनानी है, आपको रूटीन में 4 से 5 घंटा रोज पढ़ना है। अगर हमने 4 से 5 घंटे रोज पढ़ने की आदत डाल ली, तो 5 से 6 महीने के अंदर जो एग्जाम होगा, तो न केवल पुलिस कांस्टेबल, आप इससे बड़े बड़े एग्जाम भी निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेगुलर होकर उस सिलेबस को पढ़ना। इसके बाद फिर आगे दौड़ होगी, यानी आपका फिजिकल चयन के लिए हम जब लिखित एग्जाम की बात करते हैं, तो सबसे पहले दृढ़ विश्वास के साथ टारगेट तय करें कि हमें पुलिस के क्षेत्र में जाना है, फिर इसके बाद में उस पाठ्यक्रम को, फिर उसके बाद उस पाठ्यक्रम को पाने का प्रयास करें। यानी सब मिलाकर छोटे छोटे उद्देश्यों को बनाते हुए एक बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है। एकदम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होगा, हमें छोटे छोटे उद्देश्य बनाकर एक बहुत बड़े लक्ष्य को भेदना। हम जब तक इस प्रोसेस पर नहीं चलेंगे, हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप सब बहुत ध्यान दें, जीवन में करियर बनाने का समय बहुत थोड़ा होता है, शेष समय तो जीवन में बर्बाद ही चला जाता है। शुरुआत के 5 साल जो करियर बनाने वाले हैं, जो इसमें सचेत हो गया, उसने बड़ी लंबी दूरी तय कर ली, नहीं तो पूरा जीवन कष्ट में रहता। हम बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ना सीखें, बैठना सीखें। आप बैठ नहीं पाते एक स्थान पर लगातार, हम एक स्थान पर बैठकर अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना शुरू करें, पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, धीरे धीरे करके 5 घंटे तक पहुंचे। जिस दिन आपको 5 घंटे की स्टेमिना पैदा हो जाएगी कार पढ़ने की, उस दिन आप पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, दरोगा या उससे बड़े बड़े पदों को भी हासिल कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें,
जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। भविष्य में हम पुलिस कांस्टेबल से संबंधित बहुत से वीडियोस अपलोड करेंगे। धन्यवाद।